आइए जी, हम आपको अपने साथ आज शॉपिंग कराने लगे और स्टार्टिंग में ही माहम का डिपार्टमेंट शुरू हो गया, तो पहले मैं चाहता हूँ, हाँ लेडीज फर्स्ट, हाँ जी, तो हम करेंगे शॉपिंग। हाँ, और कहाँ शुरू करें? डू यू वांट टू लुक अराउंड और डू यू वांट टू स्टार्ट? नहीं, एज यू लाइक, जो पसंद आ जाता है वो निकालते जाओ। वैसे मैं बहुत पिकी शॉपर हूँ, मुझे बड़ा वो होता है कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है माहम को शॉपिंग करने में। नहीं, बहुत टाइम नहीं लगता, मुझे चीज़ें चूज करने में बहुत वो होता है कि ये लेना है कि अच्छा, और हमेशा ये होता है कम अज़ कम 3-4 चीज़ें निकलती हैं और उसके बाद उसमें से एक चीज़ ली जाती है कि अच्छा ये सब अच्छा है लेकिन मुझे ये वाला एक बस लेना है। ऐसे ही सब ऐसा भी होता है, पता नहीं, अब ये सबके साथ में घुमा नहीं हूँ ना, आपके साथ कभी भी नहीं हूँ आपके साथ। अच्छा, तो मैम क्या क्या जहन में चल रहा है आजकल जो वेदर है उसके हवाले से? आई थिंक ऑल द नाइस कलर्स, क्योंकि गर्मियों में तो सारे ब्राइट ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, सर्दियों में डार्क होता है, लेकिन ये मौसम है सारे कलर्स बैठे, तो पिंक्स हैं, ग्रीन है, येलो है, मतलब सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। मज़े की बात यह है स्टोर की, ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही लेकिन बता रही हूँ असलियत, यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 3-piece सूट अवेलेबल है। अच्छा, बने बनाए तो वैसे अमूमन नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते, बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है कि आपको 3-piece स्टिच्ड मिल जाए या 2-piece अच्छा, स्टिच्ड एक साथ पूरा दुपट्टे के नीचे पूरा सूट मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे वो है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। अच्छा, ये है पूरे जी 3-piece की कलेक्शन है, वेरी नाइस। और होता ये है कि हम लोग ना शूट की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आप एक चीज़ पहन लेते हो स्क्रीन पे उसको रजिस्टर हो जाती है, उसको आप दोबारा नहीं रिपीट कर सकते, तो एक्ट्रेस की शॉपिंग बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, और एक चीज़ बहुत होती है, हर जगह हर तरह के साइजेस नहीं होते। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सल जो होता है ये वाले साइजेस बहुत कम स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कट्स होता है किसी किसी के लार्ज इस तरह के होते हैं कि आप ले लो, आप बोलो लार्ज है, लेकिन वो लार्ज होते नहीं, वो मीडियम के करीब करीब होते हैं। ठीक है, सो दे हैव एक्स्ट्रा स्मॉल एंड एक्स्ट्रा लार्ज ऑल्सो, तो आप अच्छी बात है ना, हर साइज को कैटर करते हैं। वेरी गुड यार, चुनरी की कलेक्शन कितनी मजेदार, वेरी नाइस। दिस चुनरी, कदान, डू यू नो व्हाट चुनरी इज? या आई कैन सी दैट दिस थिंग, ना दिस थिंग इज कॉल्ड चुनरी। अबे यार, इजी ले रहे हैं हम लोग को यार, लड़कों को सब पता होता है भाई। अब अच्छा काम करते हैं, मुझे पसंद बहुत कुछ आ रहा है, तो पहले देखते देखते चलते हैं ना आगे, देन वी कैन पिक। मेरे ख्याल से जो पसंद आता जा रहा है ना वो पिक आउट करते जाओ, फिर एक साथ ट्राई कर लेना सारी चीज़ें। ये जो ये कर जो ट्राई करने वाला मसला है ना, ये बहुत तंग करता है यार, एक ही दफ़ा मैं कह रहा हूँ यार, वेरी नाइस फजान, आई एम नाइस। अच्छा, ओके ओके नाइस। तो तुम्हें जो जो पसंद आता है वो उनको बताती जाओ, ताकि ये साइज वगैरह। हाँ देखो देखो, माहम तुम्हारा बहुत अच्छी सेल्स गर्ल है, माहम तुम्हारा फेवरेट पिंक और ऑरेंज सामने टंगा हुआ है। पिंक और ऑरेंज मेरा फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट, यू ऑलवेज गेट समथिंग ऑरेंज एंड पिंक बिकॉज़ इट्स ब्राइट, हां इट मेक्स मी हैप्पी। हां, वी हैव नाइस दुपट्टा, ये मैडम हमारी बेटर। अच्छा, ये सेपरेट दुपट्टास का क्या कांसेप्ट है जरा मैं जानना चाहता हूं, मैंने हर जगह देखे ही लगे, क्या मतलब है इसका? मैं चाहता हूं बताएं, मैं बताना चाहता हूं। जी आप बताएं, आप बताएं। आपको पसंद आ गया, आपको पसंद आ गया ये कुर्ता, ठीक है, अब आप कहीं भी पहन के जा सकती हैं, ठीक है, ट्राउजर के साथ पहन के चली गई। ओके, कहीं आपको बहुत ही शरई लिबास में जाना है, यू नो दुपट्टा होना चाहिए, फैमिलीज में जाना है, कहीं इस जगह जाना है, तो आपने उसकी मैचिंग बना ली। जी बनाएंगे मैचिंग, नाइस, आपकी मर्जी है, आप उसके कंट्रास्ट पे चले जाएं, किस पे चले। अच्छा, और ये भी चलाकी होती है कि एक दुपट्टा खरीद लेते हैं और उनको 6-7 कुर्तों पे पहन लिया जाता है, फायदा नहीं आप लोगों को? नहीं फायदा है, नुकसान की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं नहीं, बात बोल रही है, फायदा है ना, तो ये अच्छी स्मार्ट बात है, ये स्मार्ट बात है। एक और बात है, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले पूरे इस तरीके से वेबसाइट देख ली थी। अच्छा, सो आई न्यू व्हाट आई वांटेड, ओह, सो दैट इट कुड सेव सम टाइम। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो लड़की रिसर्च करके आई हुई है, अब क्या होगा? अच्छा, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसका मतलब। सेपरेट ट्राउजर्स भी अलग कलर्स के। अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है ना कि आप सारी पेयरिंग कर सकते हैं। मैम क्या तुम क्या सोच के आई थी जरा मुझे बताओ क्या? नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं आई थी, मैं देख के आई थी कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या ले सकती हूँ। ओके, आई लाइक द ग्रीन एज़ वेल। ओह नाइस, वेरी नाइस ग्रीन, है ना। अच्छा, आपने मुझे बताया इसकी विंटर कलेक्शन, आपकी विंटर कलेक्शन दोनों रैक्स पे। अच्छा, जबरदस्त, मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ होता है कि आप जैसे ही सर्दी खत्म हुई विंटर कलेक्शन खत्म, कोई अगर आपने ट्रैवल करना है तो फिर आप वहीं जाके कपड़े खरीदें या फिर अपने पुराने कपड़े निकालें। ये अच्छी बात है कि विंटर कलेक्शन भी अवेलेबल है, तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई बाहर जा रहा है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वेल डन डाइनर्स, अच्छा काम किया आपने।
अच्छा ये माह आगे निकल गई है और ओ यार दिस इज सो प्रिटी द ब्लू द पिंक नहीं द काम इज वेरी प्रिटी ये जो काम है ये काम वगैरह बड़ा प्रिटी हुआ है. अच्छा लोगों का अंदाज़ा नहीं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ कपड़ों के मामले में और ये माम जानती है कि हम कि मैं माम के साथ भी जाता हूँ और मैं हमेशा हेल्प करता हूँ सजेशंस में या चीज़ें. फैजान इज जस्ट नॉट लाइक दोज हस्बैंड्स जो कि बाहर बैठे होते हैं कि कब आएगी. हाँ कब या कैफेटेरिया में बैठे होते हैं या बच्चों को प्ले उसमें ले जाते हैं प्ले एरिया में. मैं साथ होता हूँ मुझे पता होता है कौन क्या ले रहा है. हम अपनी बच्ची को प्रैम में डाल के शॉपिंग कर रहे हैं. हाँ आज इस वक्त नहीं है हमारे साथ वो अलग बात है. हाँ तो अनस्टिच कलेक्शन. अच्छा ये थोड़ा फॉर्मल सीन है. अच्छा नाइस. यस दिस इज द फेस्टिव कलेक्शन. ओके शादी ईद एनीवेयर ये आप अपनी मर्जी से सिलवा सकते हैं. हाँ. और इन्होंने सजेशन भी दी हुई है साथ के हम इस तरह भी बना सकते हैं. यस नाइस वेरी नाइस. सो आई एम थिंकिंग आई शुड गेट वन ऑफ दीस. ओके वन ऑफ दीस. ओके अ लॉट ऑफ दोस. तो मैं क्या करने माइक पकड़ने आया हूँ इधर. नहीं मतलब आपको करनी है. जी जी बिल्कुल. हाँ आई लव दिस कलर यार ये देखो. राइट नाइस सच प्रिटी कलर यार. वेरी प्रिटी एंड थ्री पीस. थ्री पीस आप अपनी मर्जी से सिलवा लो ना. अपनी मर्जी से सिलवा लें. अच्छा ये इसके साथ लेस वगैरह भी देंगे. जी जी यार बड़ी डिटेल है. डिजाइन है तो उसके साथ उसके सब चीज़ें हैं ना. जबरदस्त. मार्केट में जाके ढूंढना है. लड़कों को कितनी आसानी है ना एक चीज़ खरीदो बस पहन लो ये यहाँ से खरीदो फिर सिलवाओ फिर करो यार ये खवातीन के काम जरा डिटेल्ड होते हैं. The world of trousers. The world of trousers. नहीं हाँ ये सारे because I've seen white and other basic colors everywhere. यहाँ तो blue वगैरह भी है सब कुछ. बहुत सारे colors हैं मतलब blue, green, orange. ये आप वहाँ से कुर्ता उठाएं यहाँ से पूरा सूट बनाएं दुपट्टा लगाएं आप तैयार हैं. हाँ और नीचे जूते भी हैं. अच्छा मैं कहाँ रिसर्च. मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पहले आ चुकी है इसको. ये भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी पता है. वेरी गुड. सेविंग टाइम फॉर यू. हाँ यू आर. So pretty. So nice. So pretty. अब ये कितनी सारी चीज़ों के साथ आप मैच कर सकते हो यार. या आप हर चीज़ के लिए अलग ले सकते हैं. वाइट्स ऑफ वाइट्स बेज. वेरी नाइस. एवरी कलर. ये सेपरेट कुर्ते हैं. जी मैम. मेरा फेवरेट मरून पे हमारी 47% फ्लैट सेल चल रही है. ओ हाँ ओ जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. Exactly. हम आपको बार बार बताएंगे थोड़ा सा आप लोग पक जाएंगे लेकिन इट्स ऑल राइट क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ रखी कि एक 19% फ्लैट ऑफ भी है और एक 47% भी ऑफ है जो कि बड़ी मज़ेदार बात है. इसमें 1947 दोनों इनकॉर्पोरेट हुए. बड़ा जीनियस बड़ा अच्छा स्मार्ट आइडिया है. ठीक है तो जो न्यू अराइवल है आप देखिए न्यू अराइवल पर कभी आपको ऑफ नहीं मिलती लेकिन फ्लैट 19% ऑफ है आपके न्यू अराइवल पर और 47% ऑफ है तमाम बाकी जो चीज़ें. अच्छा और एक मज़े की बात. बहुत अच्छे यार यहाँ पे इनकी ग्रीन एंड वाइट कलेक्शन बड़ी मज़े की है. ग्रीन एंड वाइट कलेक्शन जो स्पेसिफिकली हाँ बट देयर आर ग्रीन्स एंड वाइट्स आल्सो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस के आप आराम से मैच कर सकते हैं. हाँ पीपल लाइक अस हमें कभी शोज पर जाना होता है हमें जाना होता है बिल्कुल 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 यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई कलर चाहिए होता है स्पेशली 14 अगस्त पे सबको ग्रीन एंड वाइट पहनना होता है तो वहाँ पे बड़े अच्छे कलर्स हैं. लाइक वी हैव ग्रीन्स हियर डिफरेंट ऑप्शंस. हाँ प्रिंटेड में है और ये सब जो है वो न्यू कलेक्शन है क्योंकि मैंने यहाँ देखा फ्लैट 19% ऑफ लिखा हुआ है. तो यार अगर आपको नए कलेक्शन पे 19% ऑफ मिला है तो ये बहुत ज़्यादा होता है. सो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं वीडियो पॉज करता और डाइनर्स भाग जाता. आ जाए. ओह नाइस ये कितना अच्छा ग्रीन है यार. ब्राइट एंड नाइस और स्मार्ट भी है. वेरी गुड. मतलब डिपेंड करता है आपने कुर्ती की तरह पहनना है या कैसे पहनना. यार ये मेरी फेवरेट साइट है. नहीं आज आज बेबी शॉपिंग नहीं हो सकती माम. चलो हाँ इट इज़ वेरी क्यूट. हम बात तक के लिए कर सकते हैं शॉपिंग नहीं आने वाले 3 साल के लिए. जी नहीं रख दें. यार आप कभी अपनी शॉपिंग ही नहीं कर सकते जब आप बाहर निकलो बेटी का सामान याद आ जाता है माम को यार खा दो कोई. हाँ वी डोंट हैव टू शॉप 2-3 साल आगे के लिए. अच्छा छोटे साइजेस अवेलेबल है नीचे. मुझे पहले तो अपने साइजेस निकलवा लो फिर हम दूसरी शॉपिंग करेंगे. उन्होंने बताया ये तो एकदम ह्यूज मेंस कलेक्शन यहाँ पे है. हाँ देखो पूरा वुमेंस कलेक्शन मैंने कवर किया तो ये करे. वाओ नाइस टाइज. अच्छा पूरी सारी चीजें है ना. व्हाट इंटरेस्ट्स मी मोर जो कि मुझे वेबसाइट पे भी इतना कुछ दिखा था लेकिन आई थिंक यहाँ आके देखने में ज़्यादा मज़ेदार कलेक्शन है हर चीज़ की. तो यहाँ शुरू करते हैं ना. नहीं नहीं फॉर्मल. ओके फैजान का फेवरेट है फॉर्मल. ही हैव हाउ मेनी जैकेट्स एंड
या मैनी एवरी कलर फैजान वेयर एवरी कलर सो आई थिंक ये यहाँ पे आके एनी वन कैन गेट इट. ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है ना यूजली. आई हैव सीन माई ब्रदर स्ट्रगलिंग कि जैकेट और अच्छी सी ड्रेस पैंट और वो कहाँ से एक साथ मिल जाए, या तो स्टिच करवाएं या लें. तो आई थिंक यहाँ सारे साइजेस होंगे. इनके साइजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी. 44 से लेके 58 का साइज. तो अगर हम उसे स्मॉल मीडियम लार्ज या उससे काउंट करें तो वो किस तरह, मतलब वो सारे साइजेस अवेलेबल हैं? 44 स्मॉल साइज होता है. अच्छा, कभी कभी किसी को अगर कोई जैकेट नहीं आता, ये अक्सर प्रॉब्लम बाहर भी लोगों को होती है मुल्कों में, कि कहीं से कोई जैकेट पसंद आ गया लेकिन वो साइज़ का टाइम नहीं है उसको ऑल्टर कराने का, तो आप लोग भी करा के देते हैं? शॉर्ट टाइम में ऑल्टरेशन करवा देते हैं. वाओ, ना वो देख फैजान, मेरी बात हो रही है यहाँ पे. फैजान, हाय फैजान. हेलो, हाउ मेनी डिड यू लाइक? आई लाइक अ लॉट ऑफ इट. है ना, लव द कलर, वेरी नाइस. कलर्स बहुत अच्छे हैं और ये वो कलर्स हैं जो कि आप हर सीजन में पहन सकते हैं. ये वाले ब्राउन्स जो होते हैं या ये वाले जो ब्लूज होते हैं जो यहाँ पे हैं, ये बड़े ऐसे कलर्स होते हैं जो आप हर वक्त पहन सकते हैं. तो ना सिर्फ आपके शादी ब्याह या जो फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, आप उसके अलावा भी जो आपके ऑफिस डिनर्स होते हैं या जो आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, उसमें भी आप ये मज़ेदार चीज़ें पहन सकते हैं. और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने चेक की थोड़ी देर पहले, वो ये कि इनके जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, बड़ा फाइन सिला हुआ है. क्योंकि अमूमन जब आप सूट की सिलाई के लिए जाते हैं तो यू वांट समथिंग वेरी प्रिसाइज स्टिचिंग के हवाले से, तो दिस इज़ वेरी नाइसली स्टिच एज वेल. तो आई एम ग्लैड कि, और इन्होंने पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है इस फॉर्मल उसको, विच इज़ वेरी गुड टू सी. क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल वेयर की चीज़ें बहुत कम जगहों पर अच्छी मिलती हैं. तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी के डाइनर्स के पास एक पूरा फॉर्मल का एक सेक्शन मौजूद है. वाओ, यस. तो ये देख सकते हैं आप जी, फ्रेंच इम्पोरियो के जो जूते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिसपे आप देख सकते हैं फ्लैट 19% ऑफ है. Which means के हम जूते भी लेंगे. नहीं, which means के ये नई कलेक्शन है. हाँ, नई कलेक्शन बिल्कुल. कलर्स बहुत अच्छे हैं. उमूमन लड़कों के पास शूज के कलर्स इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते. हम लोग वाइट, ब्लैक, ब्राउन, मैक्सिमम कभी कभी कुछ लोग ब्लू भी पहन लेते हैं. तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी कलेक्शन. मतलब मजे की बात ये है आई थिंक कि यहाँ पे सारे ऑप्शन उन्होंने यहीं पे सारे दिखाए ना, कि दे हैव सैंडल्स आल्सो, दे आर कॉल्ड सैंडल्स, राइट? हां, आई हैव नो आईडिया. हां, सैंडल्स आर शूज. दे, व्हाट आर दीस कॉल्ड? दीस आर मुकेशंस. मुकेशंस, यस. अब आप ये देखें, हम जो ऊपर बात कर रहे थे, फैंसी फैंसी विंटर, विंटर के लिए भी अगर आपको किसी गिफ्ट करना हो और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये जैकेट ले सकते हैं. और मुझे शक है कि ये जैकेट मैं ले लूंगा क्योंकि बहुत अच्छी है. Which means I have to make a lot of space in the wardrobe. ये देखिए ना, कितना classy है. We live in a wardrobe. We don't have a room. And that's true. Thanks to me. You should come visit sometime. ये देखिए, अब अगर आपने कोई tuxedo वाला सीन है तो आप ये भी पहन सकते हैं. मतलब यहाँ पे वो ऑप्शंस हैं जो हर जगह पे बनवाने से मिलते हैं ना. मैंने कहा ना कि आपको हर चीज इंस्टेंटली कोई चीज इंस्टेंटली, और आप ऐसे एक रेगुलर साइज वाले आदमी हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है. अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ कैजुअल चीज़ें भी शुरू हो रही हैं, इसमें थोड़े से कैजुअल जूते भी हैं. चप्पल्स बहुत मज़ेदार हैं यार, मेरे जैसा आदमी चप्पल बिल्कुल बिल्कुल ले लेगा फौरन, क्योंकि इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ब्लिंग ब्लिंग एज वेल, एंड इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल. इट्स ब्लिंग एंड इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल, है ना? यस, सो इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट. सो आई लाइक, वहाँ पे बच्चों बड़ों के साथ ऐसे छोटों के कितने क्यूट से जूते हैं. 43 है, कैसे पता चलेगा हमें? लेट मी ट्राई. जी नहीं, 43 है तो फिर मैं ट्राई करूंगा. आई लव फैजान की चप्पलें. हाँ, एवरी चप्पलें मैं ढूंढता रहता हूँ, कभी कोई चप्पल माम पहन लेती, कभी कोई चप्पल पहन. चलिए मैं ये ट्राई करता हूँ इसको, थोड़ी देर में हम जरा चीज़ें पिक आउट कर लें फिर करते हैं. ये देखो यार, ये एक बड़ा अच्छा स्टाइल है. आई एम ग्लैड टू सी कि ये किसी ने यहाँ भी बनाई. ये खास जरी वाली चप्पल एक ज़माने में बड़ी मशहूर हुई थी, ये उसका स्टाइल है. और ये आप देखें कि अब ये इस तरह प्लेन उसमें भी अवेलेबल है, तो वाई नॉट. और 47% ऑफ है, मतलब 47% के बाद आपको क्या सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बस पैर डालें और ख़रीद लें फौरन. मैं कहती हूँ सेल जब कहीं लगी होती है ना, वो भी फ्लैट, क्योंकि हर जगह अप टू होती है, व्हेन देयर इज फ्लैट सेल, शुडन्ट मिस इट यार. फिर तो सोचने का वही नहीं रहता. दे हैव पोलोस. अब आगे जी, टी शर्ट्स और पोलोस, आपको पता है हमारे यहाँ ड्रामाज वगैरह में, शोज वगैरह में आप पोलोस पहनते हैं. हाँ, ये मैं, अच्छा मज़े की बात है, ये मैं मार्क करके आया था एग्जैक्टली यही. Someone like you can actually wear because you like prints, right? I like prints. So and this is very nice. एक तो ये कि color बहुत मज़े का है. Black. फिर हाँ, और फिर इसमें आप very nice बड़े अच्छे से style कर सकते हैं. हाँ, तुम क्यों try कर रही हो इसको? ऐसे ही? Okay. तो ये you never know. हम ज़रूर try करेंगे इसको. बड़ा मज़ेदार है.
इसको रखो भी। अच्छा वाइट्स भी है ना? वाइट्स भी जो है ना वो प्लेन नहीं है, जो अच्छी बात है। अभी देखो पिंक है, आई लाइक दिस। इस पे कितना मजेदार ये डिटेल कितनी अच्छी है येलो एंड रेड की। और अच्छा आई थिंक फैजान, व्हाट आई थिंक इज जैसे यहाँ पे वो सामने जो पोलोज हैं रेड में भी है, येलो में भी है, अलग कलर्स की है, हर कोई नॉट एवरीबॉडी लाइक कलर्स। हाँ बट आई एम ग्लैड कि ये लोग इस तरह से चीजें बनाते हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रही थी। हमारे ना एक बेसिक ज़हन में आता है कि अच्छा जी बस बेसिक चीजें पहनेंगे लोग, लेकिन अच्छी बात है कि इस तरह के कलर्स मौजूद हैं इसमें, रेड है, येलो है, ग्रीन है। आई मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज वेरी अंकल, सॉरी वी कैन गेट इट फॉर एनी अंकल। नो आई वांट टू शॉप फॉर माय सेल्फ, आई कैन शॉप फॉर अंकल। हाँ अब देखे ना, ये देखे ना, ये है बॉय, बॉय सीन। तो हम बॉय सीन, व्हाट इज बॉय सीन, एक्सप्लेन। मतलब ऑप्शन सारे हैं ना, कि आप अगर अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हैं कुछ। बात कर रहे थे, देखिए ग्रीन एंड वाइट पोलो, हाउ नाइस। तो अगर आपने शलवार कमीज नहीं पहननी 14th अगस्त पे, इट्स ऑल राइट, आप ग्रीन एंड वाइट पोलो पहन सकते हैं। तो उसके बाद आप, आई लाइक द कलर, सॉलिड कलर्स भी हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। और वही वाली बात जो हम दोनों ऊपर मेंशन की थी कि साइजेस जो है ना हर तरह के हैं, 2XL तक अवेलेबल है यार। हां तो व्हिच इज वेरी नाइस, क्योंकि हमारे यहां जो जरा एक्स्ट्रा साइज वाले लोग होते हैं उनके लिए शॉपिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कम है हर जगह पे। हाँ लेकिन यहाँ पे आपको 2XL भी मिल जाता है, विच इज वेरी नाइस। तो हो सकता है मैं आदि को भी आ जाऊँ, तो उसके लिए भी यहाँ कपड़े मौजूद हैं। सो प्लेन्स, स्ट्राइप्स, लाइंस इफ यू कॉल देम, कलर्स, एवरी काइंड ऑफ पोलोज आर अवेलेबल हियर। यार बड़ा मजे का सीन है। अच्छा ये देखें, ये मुझे लग रहा है पिक करना बहुत मुश्किल है इसमें से यार, बहुत पूरे दिन का काम है। हु डजंट लाइक कफलिंग्स? Everybody likes cufflinks. Exactly. Cufflinks, tie sets also. Tie sets भी हैं, cufflinks भी हैं. See इस तरह की चीजें हैं. ये मुझे और ये अच्छी बात है, अगर आप अपने लिए ना भी लें, आप gifting के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ties gift करते हैं, और उसमें मुझे लग रहा है tie के साथ साथ पॉकेट स्क्वायर भी है, सो व्हिच इज वेरी नाइस। पता है इस तरह की चीजें मैंने कब देखी, ज्यादा गौर करना शुरू किया था, लाइक पॉकेट स्क्वायर के बॉक्सेस बने हुए, व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, सो आई थॉट कि इस तरह की चीजें देना, शुड से थैंक यू टू मी, थैंक यू फैजान, इट्स ऑल राइट। सारा क्रेडिट ले लो, सारा क्रेडिट। अब ये जर्सी की जो ये देखिए जर्सी शर्ट्स भी होती हैं, वाओ। ये बेसिकली टी शर्ट वाला जो मटेरियल होता है उसकी पूरी पूरी शर्ट्स भी होती हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैफ अच्छा, इसमें ब्लैक एंड वाइट तो है ही ना, इन्होंने भी मेरे ख्याल से इसको बेसिक रखा है, ताकि हम जरा करके देखेंगे लोग क्या करते हैं। अच्छा टी शर्ट्स भी तो हैं। आप हाँ ये देखें, आप प्रिंटेड टी शर्ट्स भी हैं, क्योंकि प्रिंटेड टी शर्ट तो आप सारा साल पहनते हैं। हाँ ये देखें, क्वालिटी जो है जिस तरह मैंने कहा ना, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये देखें, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ फाइन है। और मैं अमूमन जो शर्ट्स वगैरह को जज करता हूँ ना उनके कॉलर्स से करता हूँ, लेकिन आप कॉलर्स देख सकते हैं कितने फाइन और प्रॉपर बने हुए हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड कि हम यहाँ आए हैं, और आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। प्लेन्स Plain black. अच्छा मुझे जैसे okay, let me confess. Oh, I love the color. I enjoy wearing men's t-shirts. Love the color. है ना फैजान? Look at this. I really like. Thank you very much for getting in this for me. I enjoy wearing men's t-shirts because एक तो वो बड़ी loose सी मज़े की होती है, and I believe कि सबका अपना style होता है, तो मुझे लड़कों की t-shirts बहुत अच्छी लगती है, मुझे planes बहुत पसंद है, so I always go for planes, और वो planes ढूंढना सबसे मुश्किल हो जाता है, like जैसे pink पे है, blue पे है, white पे, black है, ये प्लेन वाले पता नहीं आसान चीज़ें क्यों हर जगह मुश्किल होती हैं। सो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा मेंस कलेक्शन पे अपनी रिसर्च की हुई है यहाँ पे। अब हम एक शर्ट्स के सेक्शन में मौजूद हैं, जहाँ पे मैं इसको सेमी फॉर्मल शर्ट कहता हूँ, क्योंकि आपकी मर्ज़ी आप इसको कैसे पहनते हैं। आप इसको सूट्स के साथ भी पहन सकते हैं, स्मार्ट कैजुअली ऑफिस में भी पहन सकते हैं, और वैसे अगर मेरे हवाले से तो हम सेट में भी पहनते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कॉलर्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत अच्छे कॉलर्स बने हुए हैं। सो और ये कलर्स, ये लाइंस वैसे ही सारा साल आप पहनते हैं, ब्लू लाइंस, द फैब्रिक अकॉर्डिंग टू द वेदर, यस व्हिच इज वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है। ये बेल्ट्स की पूरी कलेक्शन है। ओह जो एक पार्ट हमसे मिस हुआ, मैं चाह रहा हूं अगर हमें यूं भी घुमा दें तो हम वो भी देख सकते हैं। तो फिर हम यूं आएंगे। वो है पैंट्स, ट्राउजर्स आपकी, ट्राउजर्स, यस सॉरी ट्राउजर्स एक ही बात है। yeah. इसमें भी आपके पास फॉर्मल पैंट्स भी हैं और चीनोज वगैरह भी हैं, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे पहनते हैं, और उसके साथ साथ जीन्स भी अवेलेबल है। मतलब एक शॉप में आप घुसें आप सब कुछ खरीद सकते हैं, शलवार कमीज़ हो, आपकी वेस्ट कोट हो, आपके जैकेट्स हों, आपकी शर्ट्स हों, टी शर्ट्स हों, टाइज हों, कफलिंग्स हों, बेल्ट्स हों, ट्राउजर्स हों, जीन्स हों, चप्पल हों, जूते हों, सब ले सकते हैं आप। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट डाइनर्स, तो आप यहाँ आ सकते हैं। सर ये पैक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ ये देखें आप,
वेस्ट कोट्स जो कि बहुत इन है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वेस्ट कोट्स जो बहुत इन है हमारे यहाँ और कलर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वेस्ट कोट्स भी हमें टेक्सचर्ड भी हैं और प्लेन भी हैं। और आप फैब्रिक को मैंने कहा ना चेक करें आप कि वो ऐसा नहीं कि आप बोले यार आपको पहन के गर्मी लगेगी, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखिए नाइस यार, वेरी नाइस। और अगर आपका कोई इवेंट वगैरह है, आपने किसी मेहंदी वगैरह में जाना है, तो आप फेस्टिव कपड़े भी पहन सकते हैं। मैं तो खैर हर कलर पहन लेता हूँ, लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं तो बड़े खुशी खुशी पहनता हूँ ऐसे कलर। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये भी कलेक्शन मौजूद है, आपको अमूमन ऐसी कॉलर वाली वेस्ट कोट्स नहीं मिलती, लेकिन एक अच्छा इन्होंने जो है वो जिद्दत पैदा की, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छी बात जो है ना, सबसे अच्छी बात, हर चीज़ का अपना सेक्शन है। आप पूछ सकते हैं जी मैंने ट्राउजर्स लेनी है, आप ट्राउजर के सेक्शन में चले जाएं, शलवार कमीज लेनी है शलवार कमीज के सेक्शन में चले जाएं, शूज़ लेने हैं शूज़ के सेक्शन में चले जाएं, जैकेट्स लेनी, हर चीज़ का प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है। तो डाइनर्स आप आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी सेल इस वक्त चल रही जी, 19% ऑफ है ऑन न्यू कलेक्शन, 47% ऑफ है फ्लैट ऑन एवरीथिंग एल्स, तो विच इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेल। 1947 को जहन में रखे उन्होंने बनाई है इंडिपेंडेंस के हवाले से, सो वेरी वेल थॉट ऑफ। एंड आई थिंक कि हम जैसे ही ये लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे भाई चलो बच्चे फेंक के लोग डाइनर्स भागेंगे। बच्चे फेंक के नहीं, तो बड़ी अच्छी कलेक्शन है, बच्चों को लेके आए 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 प्लीज। बच्चे जो है ना, पता है मैंने क्या एक मजे की चीज़ देखी वहाँ पे, वंस यू डन वी गो टू द किड्स सेक्शन। फैजान इज नॉट लिसनिंग, फैजान यू आर नॉट लिसनिंग। Can you check the texture please? Yes, I can. Very soft and nice. And white. This is very nice. Very, very nice. So basically, you don't have to go boring and get a like basic sa, white sa. You can get this textured wala bhi. Haan, this is textured. Aur achha material. So ye bahut smart hai yaar. Aur ye bada achha texture hai. Hmm. Isko hum kuch kehte hai, iska koi naam hai khas? Self-printer. Uska ek wazan hai, jo ki bahut mazedar hai. And I think ye आपको हर जगह मिलता ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने बार बार मेंशन किया है कि 14 अगस्त इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, तो yes. उसमें आपको पता है सबसे बेसिक होता है वाइट सलवार कमीज, और सब पहनते हैं बचपन से, हम पहनते हैं बिल्कुल, स्कूल्स में मोहल्लों में घरों में हर जगह वाइट सलवार कमीज पहनी जाती है। उसको आप ग्रीन से मैच कर सकते हैं, कुछ लोग ग्रीन शॉल ले लेते हैं, कुछ लोग ग्रीन वेस्ट कोट ले लेते हैं, कुछ लोग जो है वो बैच लगा लेते हैं सिर्फ वाइट उस पर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वाइट सलवार कमीज एक ऐसी चीज़ है जो कि इज़ द गो टू थिंग फॉर एवरी वन। तो वाइट सलवार कमीज वो भी रेडीमेड, वो भी इतने अच्छे सेल के साथ, इतने अच्छे फैब्रिक के साथ, तो मस्ट कम टू डाइनर्स एंड गेट दिस राइट अवे। यार ये तो एक मीडियम मुझे लाजमी चाहिए होगा, तो ये ज़रा देख लें आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वाइट मैन के पास दूसरे कपड़ा भी है ना, कॉटन भी है, और अच्छा हाँ। अगर आपको गर्मी वाला मसला है, या आपको लगता है कि जी मैं या नहीं, आपका चॉइस नहीं है वो, हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ लोग टेक्सचर नहीं प्रेफर करते, कुछ कहते हैं हम बेसिक कॉटन पहनना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। कलर्स कितने अच्छे हैं, इफ यू लुक अराउंड आल्सो कलर, मतलब ब्राउन्स, मस्टर्ड, ब्लूज के इतने सारे ऑप्शंस हैं, ब्लैक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखें यार इसका कॉलर मुझे देखने में बहुत अच्छा कॉलर था, सो नाइस, देखो कॉलर की डिटेल देखो, कितनी अच्छी डिटेल है। और ये कॉलर जो है ना, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इनके पास अवेलेबल हैं, तो आपको आना चाहिए। अब ये देखें आप, कलर बहुत अच्छा कलर है, और फैब्रिक को हाथ लगाएं आप, चेक करें हाँ कितना मज़ेदार है। तो मेरे ख्याल से डाइनर्स आ जाना चाहिए सबको, वीडियो को बीच से पॉज करके आ जाना चाहिए। अच्छा मजे की चीज़ देखें फैजान, जो आप नहीं सुन रहे थे, सामने देखें सूट्स, वेरी नाइस। एंड ये देखें ना, फैब्रिक भी अवेलेबल है, जस्ट लेट्स जस्ट, अब यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो ये भी ज़रा देख लेना, फैब्रिक्स भी अवेलेबल हैं। पैकेजिंग कितनी अच्छी है, किसी को गिफ्ट देना हो तो बॉक्सेस बहुत अच्छे लगते हैं आए। और ये देखें सारी कलेक्शन, क्या आप मैचिंग की भी ले सकते हैं ईद पे, वैसे भी लोग प्रेफर करते हैं पहनना, तो वाई नॉट, जबरदस्त है ना। फैब्रिक आप खरीदें अपनी, अगर आपने कस्टमाइज करवाना है आप, और फैब्रिक में भी कलर्स सारे हैं, ऑप्शंस भी सारे हैं,
ऑफ वाइट्स वाइट्स एंड देन हियर वी आर यस हेवन. मैं जिधर जिधर हाँ जिधर जिधर मैंने ट्रैवल किया है, मेरी बच्ची नहीं थी तो मैंने लोगों के बच्चों के लिए शॉपिंग की है, लेकिन की है बच्चों के लिए. और फाइनली यस दिस इज सो क्यूट, इनके लिए भी सूट्स अवेलेबल हैं विद टाइज एंड पॉकेट स्क्वायर. आप अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी खरीद सकते हैं. आप मैचिंग करवा लें उनको. बेल्ट भी है फैजान इसमें, बेल्ट ट्राउजर्स में बेल्ट भी लगी, बेल्ट पॉकेट स्क्वायर एंड टाई भी लगी हुई है. तो बड़ी डिटेल्ड अच्छी चीजें हैं जी, और कलर्स बहुत मजेदार हैं. खासतौर पर अगर ये फॉर्मल किसी ने टक्सीडो पहनाना है बेटे को तो व्हाई नॉट. लुक एट दैट, व्हाई नॉट. Such cute collection. Nice, थोड़े लाइक छोटे बच्चों के लिए, लाइक छोटे बिल्कुल टॉडलर्स और उनके लिए भी उनके पास शर्ट्स भी अवेलेबल हैं, लाइक किड्स के लिए. टॉडलर साइजेस में तो है ही, लेकिन इस साइजेस में भी है. मतलब तमाम वन शॉप स्टॉप बनाया है ना, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी. एंड हियर वी आर द प्लेस जहाँ पे मुझे फैजान आने नहीं देते. नहीं नहीं मैं आने देता हूँ बिल्कुल, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ फोकस्ड शॉपिंग करें. हाँ, कि जो लेना है बस वही लें. अगर माहम को पता चल जाए कि किसी भी शॉप में बेबीज का सेक्शन है तो मैं वैसे ही देखने चली जाती हूँ. जरूर जाती हूँ. ये क्या है, ये दुपट्टे हैं? व्हाट इज दिस? वाह अल्लाह, मतलब वहाँ से सूट लेके दुपट्टे इनके भी मैच कर सकते हैं. अच्छा, ये मैंने वाकई कहीं नहीं देखा है ना. हाँ, इतने छोटे बच्चों के लिए टू पीसेस होते हैं बच्चों के, लेकिन दुपट्टे मैचिंग ऑप्शंस नहीं होते छोटे बच्चों के. इट्स कॉल्ड डाइनर्स जूनियर्स. एवरीथिंग इज वेरी नाइस यार. ये देखिए थोड़ा सा, अगर आपने झिलमिल झिलमिल करना है तो आप यार वो सो क्यूट. फजान लेट्स जस्ट गेट सलवार कमीज फॉर हादिया जी. अच्छा, एंड टाइड्स एंड शर्ट्स मे बी एंड ड्रेसेस एंड एवरीथिंग एल्स. वेरी प्रिटी. ये क्या, इसमें सबसे छोटा साइज कौन सा है? 2 years. हाँ, तो we can always get 2 years के कपड़े. और अगर आपने थोड़ा 2 से 4 पार्टी वेयर. फैजान दिस इज कॉल्ड पार्टी वेयर. पार्टी वेयर द पार्टी वेयर. अगर आपने पार्टी वेयर करना है तो ये देखिए यार, वेरी क्यूट, लाइक फॉर बर्थडेज, वेडिंग्स एंड फॉर कैजुअल्स एज़ वेल. हियर यू गो. हाउ क्यूट. सो आई एम वेरी ग्लैड कि सलवार कमीज, फ्रॉक्स, jeans, trousers, everything. Very cute. Oh, I love this. Look at this. So pretty, fairy like. बहुत प्यारा है. बस इसके साथ हमें एक वार्डरोब बनाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि आगे तक की हम शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं हादिया की. बिल्कुल कर सकते हैं. मैम एक दफ़ा फिर बता दें हम कौन सी सेल चल रही है. जी हाँ, क्योंकि 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे बहुत नज़दीक है, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे मतलब डाइनर्स पे आपको मिल रहा है फ्लैट ऑफ 19% ऑन न्यू अराइवल यानी नई कलेक्शन पे, जो कि कहीं नहीं मिलता, एंड 47% फ्लैट ऑन अदर आइटम्स. तो जितने भी और कपड़े हैं जो कि थोड़ी सी पुरानी कलेक्शन है, एज इन के भी बिल्कुल नई नहीं है, उस पर 47 फ्लैट और नई पे 19% फ्लैट. तो आइए प्लीज़ आके शॉपिंग कीजिए. ग्रीन एंड वाइट कलेक्शन तो अच्छी है, लेकिन उसके अलावा देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोना लाइक. थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये चीज़ें मुझे बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये डाइनर्स पर अवेलेबल है. वो है स्लीप सूट का जो आपका कलेक्शन होता है, कि मर्दाना स्लीप सूट्स अवेलेबल हैं. कहाँ ये कहाँ मिलता है आपको? तो मैंने तो कहीं नहीं देखा. सो आई एम वेरी ग्लैड कि इन्होंने इस पर भी काम किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल लग रहे हैं. तो बहुत जल्द आप शायद मुझे एक डाइनर्स के स्लीप सूट कलेक्शन में देखें सोते हुए, तो मैं उसकी तस्वीरें भी पोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वाकई इतने अच्छे हैं कि शायद आप पहन के बोलें कि यार मैं तो पहन के बाहर भी जा सकता हूँ इसमें. सो वेरी नाइस, आई लाइक दिस वन. सो फॉर ऑल द पीपल, हाँ मैं पता है क्यों रेफरेंस बार बार ये दे रही हूँ, क्योंकि एक स्टोर में जाके हर चीज़ नहीं मिलती. हाँ, पीपल वर एक्चुअली शॉपिंग फॉर देयर वेडिंग स्टफ. ओके, तो वो हर तरह की चीज़ें यहाँ पे जो होता है ना, लड़कों की गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट में आप रखते हैं. सो दे हैव वेस्ट, दे हैव सॉक्स, दे हैव लाइक एवरीथिंग. लाइक स्लीप सूट्स हर जगह नहीं होते, जूते, चप्पलें, आपके अनस्टिच्ड कलेक्शन, हर तरह का यहाँ पे फैब्रिक है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे, टाइट सेट, पॉकेट स्क्वायर, कफलिंग्स. तो अगर आपको पूरा एक गिफ्ट बास्केट किसी के लिए बनाना है, अपने हस्बैंड के लिए बनाना है, अपने भाई के लिए बनाना है, शादी की बरी में रखना है, तो वो सब चीज़ें एक ही स्टोर में है. सो आई थिंक वो भी आजकल ऑफ चल रहा है, और शादी सीजन इज अराउंड द कॉर्नर. सो व्हाई डोंट यू कम एंड शॉप इन द फ्लैट 47% and 19%. यस, फ्लैट 19% ऑन द न्यू अराइवल्स एंड 47% ऑन एवरीथिंग एल्स. वेरी इंटरेस्टिंग है ना. यस, एंड वी आर फाइनली डन विद द स्टोर रेट दैट वी केम फॉर. यस, बड़े अरसे बाद हमने बहुत सुकून से डिटेल से शॉपिंग की है, एक एक कॉर्नर चेक किया है. लाइक माहम सेड अर्लियर कि अगर आप एक शॉप स्टॉप चाहते हैं, या फिर आप भाई की बरी बना रहे हैं, या आप अपने लिए बरी बना रहे हैं,
तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो मर्दाना हो चाहे वो जनाना हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के 1947 की सेल यहाँ मौजूद है, 19% ऑन द न्यू अराइवल्स एंड 47% ऑन एवरीथिंग एल्स। आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी शादी में जाते हैं, आप कैजुअली अच्छा लगना चाहते हैं, तो डाइनर्स इज़ द प्लेस टू कम। यहाँ पे आ जाइए, अपनी पसंदीदा चीज़ें ले लीजिए। मेरी और माहम की जानिब से तमाम देखने वालों को आज आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क इससे और बेहतर होता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला, और सब अपने अपने हिस्से का काम करते रहें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल राइज एंड ओनली राइज। पाकिस्तान जिंदाबाद।